हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस में 25 दिन में हमें 25 टॉपिक को अपने कंप्लीट करना है और आज हमारा पहला दिन है जिसमें हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम इकाई और विमाएं या फिर मापन भी कहते हैं। इकाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। हम 25 दिन में इतना कुछ पढ़ लेंगे जिसमें हमारे 40 में से टेक्नीशियन में आराम से 35-36 नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम रेलवे में वो सब करेंगे। जितना मैं आपको इस 25 दिनों में पढ़ाऊंगा, 25 टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसके अलावा आपको ना तो कहीं से कोचिंग लेनी है ना किसी और चीज़ को पढ़ना है। ये मोर देन सफिशिएंट है। ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला टॉपिक जो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा ये। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो पहले हम बात करेंगे इकाइयों के बारे में कि हमारी जो इकाइयाँ होती हैं, जैसे आपने सुना है, ये ऐसा यूनिट क्या होता है, सीजीए सिस्टम क्या होता है, हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में ज़रूर बनता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो भौतिक राशियाँ होती हैं, वो भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जब भी हम किसी चीज़ को जो है नंबर्स में शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी वैकेंसी है टेक्नीशियन में, तो आप क्या बोलोगे, आपको एक नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई 9000 से ज़्यादा वैकेंसी है टेक्नीशियन में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताओ वेल्डर की कितनी वैकेंसी है, या फिर जो है सिकंदराबाद में कितनी वैकेंसी है, या फिर आपकी एज कितनी है, टेम्परेचर कितना है, अगर मैं आपसे कुछ भी चीज़ पूछता हूँ तो आप हमेशा किसी ना किसी नंबर को दिखाओगे कि भाई हाँ इसके जो है इतनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो किसी भी जब नंबर में आप शो करेंगे कि अगर टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री टेम्परेचर है, तो जो आपने क्या किया उसकी क्वांटिटी बताई कि हाँ इतना डिग्री टेम्परेचर है, वैकेंसी इतनी है। तो जो आप उसके नंबर्स को शो कर रहे हैं वो नंबर्स ही हमारी कहलाती है क्वांटिटी। और जब हम फिजिक्स की क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स के अंदर जब हम राशियों के बारे में बात करते हैं, वो हमारी कहलाती हैं भौतिक राशियां, यानी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं। अब ये जो भौतिक राशियां होती हैं, ये हमारी जो होती हैं मेजरली, इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई वेट कितना है, वेट, ठीक है, तो आपने बोला भाई वेट है हमारा 55 किलो, ठीक है, वेट कितना है, वेट है हमारा 55 किलो। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, एक है हमारा नंबर, और जो पीछे जो इसको दिखा रहा है ना, ये है हमारा यूनिट जिसको हम इकाई बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी हम भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, तो अगर मैं खाली यहाँ पे नंबर लिख दूँ यहाँ पे 26 35, तो इससे कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। ये तो सिर्फ हाँ क्वांटिटीज तो है ये, मगर फिजिकल क्वांटिटी कब बनेगी, ये भौतिक राशियाँ कब बनेंगी, जब इसके पीछे अगर मैं कुछ लगा देता हूँ, अगर मैं इसके पीछे डिग्री सेल्सियस लगा दूँ, इसके पीछे मैं न्यूटन लगा दूँ, तब आप कहोगे कि भाई हाँ अब हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पर तापमान की बात हो रही थी और यहाँ पर हमारी फोर्स की बात हो रही थी, बल की, ठीक है। हमेशा जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, जो आपका यहाँ पर आगे होगा ये होगा आपका नंबर, और जो पीछे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को भौतिक राशियों को बताएगा कि ये भौतिक राशि है किस चीज़ की, वो कहलाएगा हमें यूनिट। इस यूनिट को ही हमें पढ़ना है फिजिक्स के अंदर कि ये यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, ये इकाई कितने टाइप की होती है। नंबर तो हमें पढ़ने नहीं है, 1 2 3 4, ये नंबर तो हम सबको पता है, ठीक है, मगर नंबर के पीछे जो हमारा ये साइन लगा हुआ है, ये यूनिट लगा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। इस क्लास के बाद आप जो है बहुत आसानी से सारे के सारे ऐसा यूनिट्स या यूनिट्स जो होते हैं वो खुद अपनी उंगलियों से निकालना स्टार्ट कर देंगे, इसके साथ खेलोगे आप, यकीन मानो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें आएगी नहीं, बस आपको समझना है। तो पहली चीज़ समझ में आ गई कि हमारी भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो दो चीज़ों से मिली होती हैं, एक हमारा होता है नंबर और दूसरा हमारा होता है यूनिट। यूनिट यानी इकाई क्या होता है, वो आपको समझ में आ चुका है कि भौतिक राशियों में हमारा जो किसी राशि को दर्शाता है कि वो राशि किससे संबंधित है, वो हमारी होती है इकाई यानी यूनिट, ठीक। इसके आगे हम आगे चलते हैं। ये जैसे हमारी भौतिक राशियां हैं, अगर हम भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर हमारा है द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया हमारा किलोग्राम, ठीक है, लंबाई का क्या हो गया मीटर,
क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, समय का सेकंड। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारी भौतिक राशियां हैं, और इन राशियों के लिए हम किस मात्रक का, किस यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये सारे यूनिट्स हैं। ठीक है, ये याद नहीं करना आपको, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको सब को आपको अपने आप ही क्लास देख के याद हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ हमको समझ में आ चुकी है कि राशियाँ क्या होती हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं कितने टाइप की होती हैं। भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं कितने टाइप की होती है। तो आप याद रखोगे, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं फंडामेंटल और दूसरी होती हैं डेराइव्ड। अगर हिंदी में बात करते हैं तो भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं, एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल और डेराइव्ड राशि कौन सी होती है। मूल राशि आपकी कौन सी होती हैं, मूल राशियाँ वो होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, वो किसी पर निर्भर नहीं करती, वो डायरेक्ट आ जाती हैं। ठीक है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि इस क्लास को स्टार्ट हुए कितनी देर हो गई, तो आप बोलोगे भाई क्लास को स्टार्ट हुए जो है हमारे 5 मिनट हो गए, 5 मिनट। ठीक है, तो टाइम जो मैंने आपसे पूछा, टाइम कितनी देर हो गई, आपने मुझे डायरेक्ट बता दिया कि भाई 5 मिनट हो गए। ठीक है, मैंने पूछा टेम्परेचर कितना है, आपने सीधा बोल दिया छूटते ही 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये जो टेम्परेचर है, इसको बताने के लिए आपने किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करा, ये किसी पर निर्भर भी नहीं करती, आपने डायरेक्ट मुझे बताया कि भाई हाँ 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्लास स्टार्ट हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैं आपकी मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, जिनको हम कहते हैं मूल राशियाँ, ये किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती, इसके आंसर डायरेक्ट आते हैं और किसी फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मैंने पूछा इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, आपने सीधा जवाब दे दिया इसकी लंबाई है 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका डायरेक्ट फंडामेंटल मूल राशि। अब आप बोलोगे भाई व्युत्पन्न राशि क्या है, जो राशियाँ मूल राशियों के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो राशियाँ जो क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, जो राशियाँ मूल राशियों के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो कहलाती है हमारी व्युत्पन्न राशि। कैसे, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मैंने पूछा आपसे इस बोर्ड का एरिया कितना है, ठीक है, इस बोर्ड का एरिया कितना है यानी क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल डायरेक्ट तो बता नहीं पाएंगे, क्षेत्रफल जानने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी किस चीज़ की, लंबाई गुणा चौड़ाई की, एल इन टू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है, हमारा जो एरिया होता है। डायरेक्ट तो आप बता नहीं पाएंगे ना भाई कि इसके कितना क्षेत्रफल है, आपको इसके लिए ज़रूरत है किस चीज़ की, लंबाई की और चौड़ाई की। आपने बताया इसकी लंबाई है 1 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। ठीक है, तब आपने बताया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को। इस तरीके की राशियां जो किसी दूसरी चीजों पर, जो हमारी मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं या किसी फॉर्मूले से निकल कर आती हैं, वो कहलाती है हमारी व्युत्पन्न राशि। अगर मैं आपसे पूछता कि लंबाई कितनी है, तो आप डायरेक्ट इसकी लंबाई बता सकते थे, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, वो किसी पर निर्भर नहीं करता। लंबाई पूछता आप डायरेक्ट बताते 1 मीटर, चौड़ाई पूछता आप डायरेक्ट बताते 2 मीटर, वो किसी पर निर्भर नहीं करता। मगर जब मैंने आपसे पूछा कि क्षेत्रफल कितना है, तब आपने क्या बोला, तब आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, तब आपको दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ी कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। जब दोनों को आपने गुणा किया, तब जाके आपका क्षेत्रफल आया। समझ में आ रहा है, ये चीज़ क्लियर हो रही है आप लोगों को कि मूल राशियाँ कौन सी होती हैं, जो डायरेक्ट आती हैं बिना किसी फॉर्मूले के, वो होती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी मूल राशियाँ, और जो किसी फॉर्मूले पे आती हैं या किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी क्या, वो कहलाती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियाँ यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज़। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने आपसे पूछा दूरी कितनी है, दूरी, ठीक है, तो आपने सीधा जवाब दे दिया 10 मीटर, 10 मीटर। मैंने आपसे पूछा टाइम कितना होता है, टाइम, ठीक है, कुछ भी टाइम, मैंने पूछा आपसे कितनी देर हो गई क्लास पढ़ते पढ़ते, आपने सीधा बोल दिया कि क्लास पढ़ते पढ़ते हमें हो गए 100 सेकंड। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं 100 सेकंड, ठीक है, तो दूरी जो है आपकी डायरेक्ट आंसर आ गया, टाइम जो है वो आपका वो भी डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आपकी डिस्टेंस हो गई, जो टाइम हो गई, ये आपकी क्या है, ये है आपकी मूल राशियाँ। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि स्पीड कितनी है, स्पीड, ठीक है, जो चाल होती है, चाल कितनी है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आप चाल अगर मैं पूछता हूँ तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
यानी चाल जो होती है वो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, चाल किसी दूसरी राशियों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी इसका मतलब ये जो चाल है वो आपकी क्या है, वो है आपकी व्युत्पन्न राशियाँ। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी जो मूल राशियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं और जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं। अब इसको जो है फिजिक्स में और आसान कर दिया गया है कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी टोटल 9 होती हैं, जिसमें से 7 जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारी SI यूनिट में यूज़ की जाती हैं, बहुत सिंपल हैं। ठीक है, इसको मैं अगर हिंदी मीडियम में दिखाऊँ तो ये हैं आपकी 7 राशियां जो हैं वो आपको ये याद रखनी है, ये आपकी फंडामेंटल यानी मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों को अगर आप याद कर लेंगे तो फिजिक्स में कोई सा भी SI यूनिट आप खुद निकाल लेंगे। ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा, खुद अपने आप निकालोगे। अभी इस वीडियो के एंड तक देखना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे आप अपने आप। देखो मूल राशियां कौन सी होती हैं आपकी, लंबाई। ठीक है, जिसका जो हमारा यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो होता है मीटर, इसको हम M से शो करते हैं। फिर उसके बाद हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। फिर उसके बाद हमारा समय, समय का होता है सेकंड। विद्युत धारा, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। तापमान, तापमान का होता है केल्विन। पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल। और चमकदार तीव्रता जो होती है, इसका होता है कैंडेला। ठीक है, इंग्लिश में बात करते हैं तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। ठीक है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। तो ये जो 7 चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये हैं आपकी मूल राशियाँ। जितनी भी व्युत्पन्न राशियाँ होंगी, जो भी डराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, वो सारी के सारी इनसे ही बनेंगी। जितने भी फिजिक्स में आप SI यूनिट देखोगे वो इन्हीं के बीच में से आपको मिलेंगे, इन्हीं से आपको बनेंगे। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 7, इसके जो आपको मात्रक हैं ये याद करने बहुत आसान है। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये तो हैं आपके कौन से, ये हैं आपके 7 फंडामेंटल, यानी जो आपकी मूल राशियाँ हैं वो हिंदी में ये हैं। और 2 आपकी होती हैं सप्लीमेंट्री, जैसे आपका होता है प्लेन एंगल, उसका होता है आपका रेडियन, और सॉलिड एंगल, इसका होता है स्ट्रेडियन। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, नॉर्मली नहीं आता, मगर आता है तो आपको बताना है। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का होता है स्ट्रेडियन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को, अभी तक हम लोगों को समझ में आ चुका है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होती हैं वो आपने देख लिया, जो किसी पर निर्भर नहीं करती है, 7 तरीके की होती है, वो भी हमने देख लिया। डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न, इस मूल राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियां होती हैं वो सारी हमारी व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जो कि हम फिजिक्स में इसी वीडियो में धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरीके से हमको जो होता है व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड यूनिट निकालने होते हैं। मगर पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमने फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ लिया, जो मूल राशियां थे उसको पढ़ लिया, अभी हम आगे व्युत्पन्न राशियां भी पढ़ेंगे। मगर पेपर में कुछ हमें क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कुछ यूनिट जो होते हैं हमारे उसके सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं कुछ CGS से, कुछ हमारा आता है FPS से, ठीक है, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, या SI यूनिट जो होता है हमारा, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमारा SI यूनिट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, क्योंकि इसको दुनिया में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली है, तो पेपर में भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, पेपर में भी इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज में से 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का मतलब आपकी लंबाई, मास का मतलब आपका द्रव्यमान, और टाइम जो होता है। अब हम एक एक करके सिस्टम को समझते हैं। एक है आपका CGS सिस्टम, एक है आपका MKS सिस्टम, और एक है आपका FPS सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे CGS सिस्टम की। तो CGS सिस्टम में क्या होता है, C से होता है सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम, और S से होता है सेकंड। दूसरा हम बात करेंगे MKS सिस्टम की। MKS सिस्टम में M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है आपका सेकंड, ठीक है। और तीसरा जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा FPS सिस्टम। FPS में F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकंड। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि तीनों के तीनों सिस्टम में जो टाइम है उसको हम सेकंड से शो करते हैं। तो टाइम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम तीनों
मात्रक में जो है हम तीनों जब सिस्टम देखेंगे तो तीनों सिस्टम में हमारा सेकंड से शो हो रहा है, मगर लेंथ और मास जो है इसको अलग अलग जो है हम दर्शा रहे हैं। FPS सिस्टम जो है मोस्टली ये ब्रिटिश में यूज़ होता था पहले, ठीक है, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं MKS की तो ये जो यूज़ होता था ये अमेरिका में यूज़ किया जाता था, और CGS सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये फ्रांस में यूज़ किया जाता था। उसके बाद 1971 में इन सब यूनिट्स को हटाकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई, एक इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं SI यूनिट, ठीक है। वो आपका स्टार्ट हुआ कब से, वो आपका स्टार्ट हुआ 1971 से, जब फ्रांस में जो है, फ्रांस के पेरिस में जो है मीटिंग हुई इस चीज़ को लेके कि एक कोने से दूसरे कोने में जब हम सामान को भेजते हैं तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं मेजरमेंट को लेकर। मान लो ये कंट्री है ए और दूसरी कंट्री है बी, इसने यहाँ से अपना सामान भेजा, यहाँ से कोई सामान भेजा मान लेते हैं 2 किलो का, ठीक है 2 किलो का, और वहाँ पर जो है इसको मान लिया गया कि भाई ये जो है आपका 2 पाउंड का है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े दिक्कतें होती थी, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए 1971 में फ्रांस के पेरिस में एक मीटिंग हुई जिसमें आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं वो निकल कर आया, और SI यूनिट जो होते हैं आप सब कंट्रियों में सेम रहते हैं, और SI यूनिट्स को ही हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके कि बताओ CGS यूनिट जो होता है, CGS सिस्टम, उसमें आपका G का मतलब क्या होता है, या MKS सिस्टम में K का मतलब क्या होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके वो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आसान चीज़ें होती है, कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन, उसमें उसको आप CGS यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो CGS यूनिट में क्या होता है, ये होता है आपका 10^5 डाइन, ठीक है। डाइन जो होता है वो होता है इसका CGS यूनिट, ठीक है। न्यूटन जो होता है ये होता है SI यूनिट, और ये होता है आपका CGS यूनिट, ठीक है CGS यूनिट, ठीक। तो पेपर में SI यूनिट से और CGS जो सिस्टम है इससे बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम अब आगे बात करते हैं, अब फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं हमारे, जो मूल राशियाँ होती हैं उसके आगे हम चलते हैं, तो हमारा आता है नेक्स्ट डेराइव्ड क्वांटिटीज जिसको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या क्या होती हैं उसको एक बार हम समझते हैं कि ये किस तरीके से जो है आपका वर्क करती हैं। तो व्युत्पन्न राशियों को समझते हैं, देखो वो राशियाँ जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं, मूल राशियों के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी क्या, वो कहलाती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे हम बात करते हैं क्षेत्रफल की यानी एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को हम कैसे नापते हैं, उसको नापते हैं मीटर में, चौड़ाई को हम कैसे नापते हैं, चौड़ाई को नापते हैं मीटर में, ठीक है। तो एरिया जो होता है वो निर्भर करता है किस चीज़ पर, वो निर्भर करता है एक फॉर्मूले पर, दो चीज़ों पर, लंबाई पर और चौड़ाई पर। जबकि लंबाई और चौड़ाई जो है वो किसी पर निर्भर नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो हमारी मूल राशियाँ हैं, मगर क्षेत्रफल हमारी कैसी राशि है, वो हमारी एक व्युत्पन्न राशि है। तो इसको हम निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगर आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको हम मीटर 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 में शो करते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है इसका अगर हम यूनिट निकालते हैं तो इसका यूनिट बन जाएगा आपका क्या, मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद अगर हम डेंसिटी यानी घनत्व की बात करते हैं, घनत्व, तो घनत्व जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इंग्लिश में होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास होता है इसको तो हमने अभी पढ़ा था आगे फंडामेंटल यूनिट्स में, कि जो द्रव्यमान जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है हमारा किलोग्राम, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, इसका यूनिट हमने ऊपर देखा मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, kg अपॉन मीटर क्यूब। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो अल्टीमेटली जब आप एंड में देखोगे ना, तो वही आपको फंडामेंटल जो मूल राशियाँ थी वो नज़र आएंगी, क्योंकि ये जितनी भी आप डेराइव्ड व्युत्पन्न राशियाँ देखोगे ये कहीं ना कहीं निर्भर करती है किस चीज़ पर, ये निर्भर करती है आपकी मूल राशियों के ऊपर, ठीक है। जैसे हम अगला देखते हैं आगे वेलोसिटी, जिसको हम वेग कहते हैं, वेग, तो वेग किस पर डिपेंड करता है, ये करता है विस्थापन बटे समय, ठीक। विस्थापन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर का, और जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंड का। तो वेलोसिटी का क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका यूनिट बन जाएगा।
पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताओ जो वेग होता है उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि घनत्व का यूनिट बताओ क्या होता है, किलोग्राम किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होता है घनत्व का। अब आप बोलोगे कि भाई ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो फॉर्मूले की दिक्कत नहीं लेनी आपको, पहले ये समझना है कि ये जो यूनिट्स आ रहे हैं वो ये यूनिट्स आ रहे हैं ये निकाल पा रहे हो नहीं पा रहे, क्योंकि फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद होंगे। अभी आपने जो चैप्टर नहीं पढ़ा ये सब जब धीरे धीरे आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। एक ही क्लास में पूरी फिजिक्स कंप्लीट नहीं होगी, जब फिजिक्स को आप धीरे धीरे एक एक करके पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप तब आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों का समझ में आ रहा है। मैं आपको यहाँ तक ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये राशियाँ होती हैं ये होती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियाँ, जो निर्भर करती हैं किस चीज़ पर, ये निर्भर करती हैं किस पर, मूल राशियों के ऊपर। और मूल राशियों पर निर्भर करने के बाद इसके हम यूनिट निकाल सकते हैं। वेग के अगर हम आगे चलते हैं तो आपका आता है त्वरण, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है। त्वरण का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, और वेग जो वेलोसिटी होती है, वेग अभी हमने पढ़ा उसको क्या था, उसका था मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और समय का क्या होता है, बटे सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो त्वरण होता है, त्वरण का यूनिट होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, जो कि पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि त्वरण का एसआई यूनिट बताना है, तो त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है मोमेंटम, जिसको हम संवेग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान यानी मास, मास को शो करते हैं हम किलोग्राम से, गुणा वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका किस चीज़ का, ये हो जाएगा आपका मोमेंटम का, संवेग का जो है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारे ऐसा यूनिट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स की यानी बल की। तो जो फोर्स होती है बल, इसका फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का आपको पता है कि क्या होता है, द्रव्यमान का आपका होता है मास का किलोग्राम, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं किलोग्राम। ठीक है, त्वरण का क्या होता है, त्वरण का भी आपने ऊपर देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है किस चीज़ का, आपका जो आपका फोर्स होता है बल। अच्छा, इसके साथ साथ जो होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ साथ फोर्स का एक फॉर्मूला और होता है आपका, जिसको हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन कहते हैं न्यूटन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में आ चुका है कि बताओ जो बल होता है, जो फोर्स होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इसका ऐसा यूनिट आपका किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर भी होता है, और आपका जो है इसके अलावा आपका न्यूटन भी होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी होता है आपका और न्यूटन भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कार्य, इसको हम वर्क बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कार्य होता है वो होता है आपका बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन, जो आपका बल होता है। ठीक है, बल का क्या था, अभी आपने देखा बल का है न्यूटन, तो आप लिख सकते हो न्यूटन। ठीक है, विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन का आपका होता है, विस्थापन एक तरीके से दूरी को दर्शाता है, जो आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, न्यूटन मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर वर्क के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है वो राशियां जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं किसी फॉर्मूले से निकाली जाती हैं या किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां। तो आप कह सकते हो कि व्युत्पन्न राशि, सारी की सारी व्युत्पन्न राशि वो निर्भर करती हैं किसके ऊपर, वो निर्भर करती हैं आपकी मूल राशियों के ऊपर। और मूल राशियां कितनी होती हैं, वो होती हैं आपकी सात। ठीक है, आप बोलोगे भाई यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारी जो फंडामेंटल यानी मूल राशियां होती हैं वो हमारी सात होती हैं। वो मूल राशियां सात कौन कौन सी होती हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सात मूल राशियां होती हैं हमारी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और तीव्रता, चमकदार। ठीक है, इंग्लिश में लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और सब्सटेंस, ये हमारी होती हैं फंडामेंटल। पूरी फिजिक्स के अंदर सब कुछ जितने भी यूनिट्स बनेंगे वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करेंगे, और जो हमारी डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न होती हैं, जो इन पर निर्भर करती हैं, वो कहलाती हैं हमारी कौन सी, वो कहलाती हैं हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसके आगे हम बात करेंगे अपना एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इसमें बहुत बार एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सदिश राशि से और अदिश राशि से, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और इसको याद करने में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कुछ याद नहीं करना,
सब कुछ बहुत आसान है, आपको समझना है दोनों चीजों को। देखो, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को समझने की कोशिश करना। वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में जो है सदिश राशि कहते हैं और स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो ये सदिश राशि और अदिश राशि जो होता है, उसमें फर्क क्या होता है? देखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर मतलब वी होता है ना, वी, वी का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है वी, ठीक है। तो इस तरीके से समझना, वी ऐसे होता है, इसका मतलब इसके अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, इसके अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, कौन कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी यानी वी होता है इस तरीके से, इसके अंदर जो है हमारी दो चीजें मौजूद रहती हैं वी के अंदर से। पहली चीज होती है हमारी दिशा, इसके अंदर दिशा होती है, और दूसरी चीज होती है इसका परिमाण, ठीक है, परिमाण, ठीक। जिस भी इकाई के अंदर जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, जिसके अंदर दिशा भी हो और परिमाण भी हो, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, अगर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। और जिसके अंदर कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण से काम चल जाता है, दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। आप बोलेंगे भाई डेफिनेशन पढ़ के अगर इतना ही करना होता तो किताब में भी लिखा है सब कुछ, ठीक है, तो समझ नहीं आया अभी तक करना क्या है। तो देखो, इसको एग्जाम्पल समझेंगे तभी तो समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लेते हैं यहां पर आपका है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि, सदिश, ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा स्केलर, जिसको हम बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, दिशा की भी और परिमाण की भी, मगर स्केलर क्वांटिटी में दिशा ही कोई जरूरत नहीं होती। मान लो ये पॉइंट ए है, ए, ठीक है, और ये कहीं भी जा रहा है शहर के, ये कहीं भी पहुंचा, और जहां पहुंचा ये है आपका बी पॉइंट, ठीक है, तो इसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कभी इधर जा रहा है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कहीं भी चल रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, इसने ए से लेकर बी तक जो तय की, ये है इसकी डिस्टेंस, ये है इसकी दूरी, ठीक है। तो दूरी में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण है कि ए से लेकर बी तक पहुंचा, मगर ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में चल रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। तो दूरी जो है हमारा, दूरी ये है हमारी आदिश राशि। मगर इसका अगर उल्टा देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसको पता है कि इसको ए से लेकर बी तक जाना है, इसको ए से लेकर बी तक के डायरेक्शन में जाना है, और ये ए से लेकर बी तक सीधी डायरेक्शन में पहुंच गया, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम क्या, विस्थापन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूरी जो होती है ए से बी तक तय की गई, मगर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां तक पहुंच गया, यह है इसकी दूरी ए से लेकर बी तक। और ए से लेकर बी तक जो सबसे कम दूरी होती है, ये भी दूरी है मगर ये सबसे छोटी डिस्टेंस है, सबसे छोटी जो दूरी होती है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है ए से लेकर बी तक का, उसको हम कहते हैं विस्थापन। और विस्थापन जो होती है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी है कि हमें कहाँ जाना है, हमें सबसे छोटे रास्ते पर चलना है, सबसे छोटे रास्ते पर चलना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, ये होती है हमारी सदिश राशि और ये होती है हमारी अदिश राशि। इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई हमारा जो वेट है वो कितना है, तो वेट बता तो आप दोगे कि वेट कितना है, 50 किलो, मगर फिजिक्स में जब वेट बताओगे आप, तो फिजिक्स में वेट बताने से पहले आप पूछोगे भाई वेट तो हम बता देंगे मगर बताना कहाँ पर है, पृथ्वी पर वेट अलग होगा, चांद पर वेट अलग होगा, साउथ पोल पर वेट अलग होगा, पानी के अंदर जाएंगे वेट अलग होगा। तो यानी हमें वेट बताने के लिए उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि वेट बताना कहाँ पर है। तो यहाँ पर परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी चाहिए होती है, हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तभी हम वेट बता पाएंगे। तो हम कह सकते हैं यानी वेट यानी जो भार होता है, भार वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर जो होती है हमारी परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी चाहिए होती है। मगर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वो होता है हमारा द्रव्यमान, ठीक है, जो हमारा मास होता है, जिसको हम मास कहते हैं, मास, ठीक है। अब ये मास जो है, जैसे मेरी हाइट है मान लीजिए, ठीक है, 5 फीट 11 इंच है, अब मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, चांद पे चला जाऊँ, पानी में चला जाऊँ, ये हाइट कम तो नहीं होगी ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये जो हाइट है, जो मेरा मास है, जो मेरा द्रव्यमान है, वो तो मैं कहीं भी चला जाऊँ सेम रहेगा। द्रव्यमान के लिए आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में हैं, किस दिशा में हैं,
ठीक है, आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि भाई द्रव्यमान इतना है और सब जगह इतना रहेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। और भार यानी जो वजन होता है, जो वेट होता है हमारा, इसमें जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग वजन होता है, अलग अलग वेट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी और आपके स्केलर क्वांटिटी का फर्क समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई टेम्परेचर कितना है, तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि टेम्परेचर है 20 डिग्री, ठीक। जिसी तरीके से अगर मैंने आपसे टाइम पूछा तो आपने टाइम डायरेक्ट बता दिया, तो इसमें किसी भी दिशा की जरूरत नहीं है, कोई आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत तो है। मैं उम्मीद करता हूं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहां पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी के और वेक्टर क्वांटिटी के। मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होता है उसमें एक हमें जो है डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी यानी वेग जो होता है वो हमारा विस्थापन से निकलता है, ठीक है। वेट जो होता है, हमें वेट बताने की जरूरत होती है कि चांद पर, पृथ्वी पर, कहाँ पर, ठीक है। त्वरण हो गया हमारा, ठीक है। फोर्स हो गया बल, ठीक है। इम्पल्स हो गया, दाब हो गया, मोमेंटम हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। और स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, ये सब चीजें, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी यहां पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, ज्यादातर हमारी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। मोस्टली हम जो साइंस में पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल ये आता है कि इन सब चीजों को याद कैसे करना है, ठीक है। आपको इसको याद रटने की जरूरत नहीं है, जितनी मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको बताई है इसको रटना नहीं है। अभी आपको मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपको कोई चीज रटनी नहीं है। आपने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि और अदिश राशि का डिफरेंस को पहचान लिया। जब आप आगे चल के चैप्टर पढ़ोगे, के चैप्टर हैं, ठीक है, आगे चल के आप जो है द्रव्यमान के बारे में पढ़ोगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ोगे, घनत्व के बारे में पढ़ोगे, पावर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, बल के बारे में पढ़ोगे, दाब के बारे में पढ़ोगे, पूरी फिजिक्स में हम जो है हर एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ चैप्टर पढ़ने के बाद कि यह स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, आप खुद आंसर करोगे, ठीक है। तो रटना नहीं है, चीजों को समझते हुए चलो। जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर बताता हूँ आपको, यहाँ पे रटवाने वाला कोई काम नहीं है। मैं आपको दे दूंगा बड़ी सी लिस्ट कि भाई ये लिस्ट है, इसको याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको बता दूं ये चीजें हैं, पेपर में ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको एक बार नजर मार लो आप, रटने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको याद करना, बस देख लो इसको, एक नजर मार लो, ठीक है, एक बार कॉपी पर नोट कर लो। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे चैप्टर के साथ तो धीरे धीरे सब चैप्टर में ये सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा अभी जो है थोड़ा सा आप आराम से चीजों को समझते हुए चले कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस क्या होता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे अपनी विमाओं के बारे में, जो हमारी डायमेंशंस होती हैं वो डायमेंशंस क्या होती हैं, यानी जो हमारी विमाएं होती हैं वो विमाएं क्या होती हैं। पेपर में आजकल जो है इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि विमाएं जो होती हैं, विमाएं, ये विमाएं होती क्या हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विमाएं, ठीक है, विमाएं, जो ये विमाएं होती हैं, जो डायमेंशंस होती हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों को बस ये याद रखना है। मैंने आप लोगों को पीछे चीज़ बताई थी कि आप लोगों के तीन चीज़ें जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं लेंथ, वो होती है आपकी मास, और वो होती है टाइम, ठीक है। लेंथ, मास और टाइम, जब हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की, तो लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर का, मास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम का, ठीक है, और टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम सेकंड का, ठीक है, जब हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं। मगर जब हम विमाओं की बात करते हैं, ठीक है, जब हम विमाएं की बात करते हैं, जो विमाएं होती हैं हमारी, जो डायमेंशंस होती है, जब हम इसकी बात करते हैं, तो हमेशा आप याद रखोगे कि जो हमारी लेंथ होती है, जो हमारी लेंथ होती है उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम एल, ठीक है। मास के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मास के लिए इस्तेमाल करते हैं हम एम, ठीक है, और टाइम के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टी। तो ये आप याद रखोगे कि विमाओं में जब हम लेंथ के बारे में बात करते हैं तो बात करते हैं एल, जब मास के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे हम एम का साइन, और जब टाइम के बारे में बात करेंगे तो टी का साइन। बस आपको याद रखना है एम, एल, एम ओ टी, एल, एम ओ टी, जो तीन वर्ड हैं इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है, इसके बारे में हमें समझना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं हम कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है जिसको हम एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल,
जो हमारा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो आप लोगों को जानते हैं एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी, एल को हम जो शो करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को भी शो करते हैं मीटर में, ठीक है, और जो चौड़ाई होती है उसको ही मीटर में। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल जो होता है इसका ऐसा यूनिट तो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको पीछे बताया था यहाँ पर कि जब जब आपको ये मीटर दिखाई देगा, मीटर जब भी आपको ये लेंथ के लिए मीटर दिखाई देगा और पेपर में पूछेगा आप लोगों से कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, विमाएं बताएं, तो विमाओं के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे एल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एल स्क्वायर, क्लियर हो गया। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो, हम एल स्क्वायर के साथ साथ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एम की पावर जीरो एल स्क्वायर और जो है हमारा टी की पावर जीरो। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो भी ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब तो यही है, m की पावर जीरो का मतलब क्या है, m की पावर जीरो का मतलब है एक, t की पावर जीरो का मतलब क्या है, t की पावर जीरो का मतलब है एक, ठीक है, और बचता क्या है हमारा l का स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ चीजों को तो भी वही बात है, अगर ऐसे लिखता हूँ तो भी बात है, मगर जब ऐसे लिख सकते हैं तो हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि पेपर में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो पेपर में आपको इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, पेपर में जब भी ऑप्शन मिलेगा आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है? चलो अब इसके आगे हम समझते हैं कि विमाओं से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि विमाएं कैसे निकालते हैं। विमाओं को हम हमेशा एम एल और टी की फॉर्म में लिखते हैं। एक और हम क्वेश्चन करते हैं इसके आगे कि विमाओं से लेकर जो है बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, यहाँ पर हमने देखा था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या था, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट था एम की पावर थ्री, ठीक है, एम क्यूब, एम क्यूब, ये था हमारा क्या, ये था वॉल्यूम का ऐसा यूनिट। अगर इसकी विमाएं लिखनी होती तो विमाएं कैसे लिखेंगे, इसकी विमाएं लिखेंगे हम m की पावर 0, ठीक है, l की पावर 3 और t की पावर 0, क्योंकि यहां पर मीटर है, मीटर किसके लिए होता है, लेंथ के लिए, तो लेंथ का हमने l लिख दिया l, ठीक है। इसमें कोई भी आपको मास नहीं दे रखा, कहीं से कहीं तक टाइम का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हमने m की पावर भी 0 लिया, t की पावर भी 0 लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं घनत्व। घनत्व से क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ घनत्व जो होता है, जो डेंसिटी होता है, इसकी विमाएं कितनी होती हैं। सबसे पहले हम इसके ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट निकाला था, इसका ऐसा यूनिट कितना था, इसका ऐसा यूनिट था किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये मास का होता है, ठीक है, मास का, तो इसके लिए हम लिखेंगे एम की पावर वन, एम की पावर वन बटे मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, मीटर के लिए लिखेंगे एल की पावर थ्री। अब एम की पावर वन और एल की पावर थ्री को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, नॉर्मल फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं एम की पावर वन, एल की पावर माइनस थ्री और टी की पावर जीरो। इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा किस चीज़ का, ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी यानी घनत्व की विमाएँ। नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी यानी वेग। अगर हम वेग की जो बात करते हैं तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऐसा यूनिट, वो होता है ऐसा यूनिट आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर पर सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एल बाय टी, एल बाय टी लिख सकते हैं। जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें कर देंगे हम जो मास है, मास तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो मास को जीरो कर देंगे। एल हमारा, एल की पावर कितनी है, वन है, और टी नीचे है, तो नीचे का जो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी की पावर माइनस वन। ये हो जाएगी विमाएं किस चीज़ की हमारी है, विस्थापन की, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं एक फोर्स की जो होती है, फोर्स की बहुत बार पेपर में पूछी जाती है कि जो बल होता है, बल इसकी विमाएं बताओ। तो बल का पहले ऐसा यूनिट देखते हैं हम क्या होता है, बल का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बार रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि बल की जो विमाएं हैं वो बताओ। आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम लिख सकते हैं यहाँ पर m, क्योंकि किलोग्राम मास को शो करता है, मीटर है, मीटर लेंथ को शो करता है, लंबाई को शो करता है, तो यहाँ लिख देंगे हम l, और सेकेंड स्क्वायर है तो हम लिख देंगे यहाँ पर टी स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम की पावर वन, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस टू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल और टी की पावर माइनस टू, ठीक है। अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं, खाली एम भी लिखते हैं तो खाली एम का मतलब भी एम की पावर वन होता है, खाली एल भी लिखते हैं तो एल का मतलब भी एल की पावर वन होता है और टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये होता है हमारा किस चीज़ का, फोर्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
हमने अभी तक विमाओं में कोई भी चीज़ रटी नहीं। हमने पहले ये जाना कि यूनिट यानी जो हमारी राशियाँ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, फंडामेंटल जो यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, जिसको हम मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों से हमने व्युत्पन्न राशि निकाली, व्युत्पन्न राशियों के जरिए हमने इन सब के जो फॉर्मूले थे इन सब को हमने जो है ऐसा यूनिट निकालना सीखा कि ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं वर्क की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जैसे कार्य की, कि कार्य का अगर हमें ऐसा यूनिट निकालना है तो कार्य का ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था, कार्य का ऐसा यूनिट कितना होता है, कार्य का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये बताया था मैंने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किस चीज़ का, कार्य का यानी वर्क का। अब आप लोगों का एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इसकी जो विमाएँ होंगी ये आपको बतानी है, कमेंट करके आपको बताना है कि जो वर्क की जो विमा होगी वो क्या होगी। पेपर में क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है, जो कार्य है इसकी जो विमाएँ होती हैं वो क्या होती हैं। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हम विमाएँ भी निकाल सकते हैं। हमें अभी फिलहाल चीज़ों को समझना है कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। आप लोग बहुत जल्दी ना मचाना अभी कि भाई हमें ये चीज़ें याद नहीं हो रही, याद नहीं करना, सिर्फ चीज़ों को समझो अभी, ठीक है, बहुत चिल करके पढ़ाई करो, यहाँ पे रिलैक्स रहो, नंबर भी आपके आएंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। पहले समझ लो कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, कितनी होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, विमाओं को निकाला कैसा जाता है। अगर हमें ऐसा यूनिट पता हो तो विमा निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट पता होने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वो व्युत्पन्न राशि है या फिर मूल राशि है, ठीक है। और धीरे धीरे जब हम अपने टॉपिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें एक चेन बन जाएगी पूरी, और उस चेन के थ्रू आप जो है प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है आपकी विमाओं से रिलेटेड जो आपका टॉपिक था वो। विमाओं के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है जो हमारे जो टेन के जो फॉर्मूले होते हैं जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, मैक्रो प्रीफिक्स और माइक्रो प्रीफिक्स जो होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जैसे मान लेते हैं 10 है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 10 है आपका 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। अब इसको मीटर है, इसको आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर जो है 3 आ जाएगी, किलो के लिए 10 की पावर जो है क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। मेगा के लिए 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। गीगा के लिए 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। टेरा के लिए 12 आ जाएगी। पेटा के लिए 15 आ जाएगी। एक्सा के लिए 18 आ जाएगी। जेटा के लिए 21 आ जाएगी। योटा के लिए जो है आपकी 24 आ जाएगी। इसी तरीके से आपको नेगेटिव पावर भी समझनी पड़ेगी। मिली के लिए 10 की पावर -3 आ जाएगी। जैसे हम मिलीमीटर कहते हैं कि मिलीमीटर कितना होता है, एक, जैसे हम बोलते हैं कि एक मिलीमीटर में, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हम कह सकते हैं 10 की पावर -3 मिलीमीटर होते हैं। ये हमारा माइक्रो का साइन होता है, म्यू बोलते हैं इसको, माइक्रो का, ठीक है। ये हमारा माइक्रो का साइन होता है 10 की पावर -6। ये नैनो का, ये पीको का, ये फेमटो का होता है, इसको हम फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी, ठीक है, इसको हम जो है फर्मी भी कहते हैं। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो इससे नाप जाती है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो हम इससे नापते हैं। उसके बाद ऑटो होता है, जैक्टो होता है, ठीक है, और यक्टो होता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। जैसे अगर मान लेते हैं पेपर में हमारा एक क्वेश्चन आता है कि बताओ एक किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ठीक है, पेपर में आता है कितने मिलीग्राम होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको देखना है कि किलोग्राम का मतलब क्या था, 10 की पावर 3, किलोग्राम का मतलब 10 की पावर 3 था, ठीक है, ये प्लस का है 10 की पावर 3, और अगर हम इसको जब मिली में चेंज करते हैं तो 3 तो ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है मिली में चेंज कर रहे हैं और 3 की पावर -3 ये है, तो क्या होगा, जब भी हम जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, जो हमारी पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 किलो के अंदर 3 पावर यहाँ पर है और 3 पावर वहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं 1 किलो के अंदर जो है 10 की पावर -6 मिली होता है, 10 की पावर -6 मिली, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कि 1 किलो जो होता है, 1 किलो इसको हमें चेंज करना है, 1 नैनो में चेंज करना है, ठीक है, नैनो में चेंज करना है, तब क्या होगा,
ठीक, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि 1 किलो को अगर नैनो में चेंज करेंगे तो कैसे होगा। मैंने आपको बता दिया जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है और जब यहाँ पे नेगेटिव में चेंज करते हैं, यानी साइन जब अलग अलग होते हैं, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, पावर्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे अगर साइन अलग अलग है। अब आप क्वेश्चन देखोगे कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो अगर सेम पावर हो, अगर वह बोलता है कि 1 मेगा में कितने किलो होते हैं, 1 मेगा में, ठीक है, 1 मेगा में कितने केजी होते हैं, कितने किलो होते हैं, तो यानी यहाँ पर देखो साइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव पावर्स हैं तब आप क्या करोगे, मेगा में किलो निकालने के लिए क्या करोगे, पावर को माइनस कर दोगे, 10 में 6 में से 3 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। ठीक है, 1 मेगा के अंदर 10 की पावर 3 किलो होता है। ठीक, 1 मेगा के अंदर क्या होता है, 10 की पावर 3 किलो होते हैं। समझ में आ रहा है, अगर आपका सेम टू सेम पावर्स है तो माइनस कर देना, और अगर पावर्स अलग अलग हैं तो आप क्या कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं अपना आगे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको। आप लोगों को ये क्लियर हो गया, रेलवे में आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, मान लो कि क्वेश्चन आ गया 1 टेराबाइट के अंदर कितने किलोबाइट होते हैं। ठीक है, 1 टेराबाइट के अंदर कितने किलोबाइट होते हैं, ये देखोगे आप पावर कैसी है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सीधा माइनस कर दो, 12 है यहाँ पावर, यहाँ पर 3 है पावर, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना जाएगा, आप बोलोगे 1 टेराबाइट के अंदर जो है 10 की पावर 9 किलोबाइट होते हैं, 10 की पावर 9 किलोबाइट, क्योंकि पॉजिटिव के साइन है इसलिए माइनस कर दिए। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जब चेंज करेंगे हम तो साइन चेंज हो जाएंगे, तब क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। अगर पावर्स अलग अलग हैं, मतलब पावर्स एक पॉजिटिव की है और एक नेगेटिव की है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। अगर पावर सेम है और जब हम कन्वर्ट करते हैं तब हम उसको माइनस कर देंगे। अब आप खुद एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, 1 एक्साबाइट के अंदर कितने किलोबाइट होते हैं, 1 एक्साबाइट के अंदर कितने किलोबाइट होते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है कि 1 किलोबाइट के अंदर कितने नैनोबाइट होते हैं, ठीक है, या फिर 1 किलोमीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर ली यूनिट एंड मेजरमेंट में कि यहाँ पर किस तरीके से हम जो है जब कन्वर्ट करते हैं तो किस किस तरीके से हम जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तक हमने जो है यूनिट एंड मेजरमेंट में इकाई में और विमाओं में जो है कुछ टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ी, जिसके MCQ यानी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, इन सभी को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बहुत छोटे मोटे 1-2 टॉपिक रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ तक हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट्स का खत्म हो चुका है टॉपिक जितना भी है। अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।